बॉलीवुड हीरो बनती रे। गेट दिस। हीरो 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 सपना देखना बंद करो। क्या करो यार, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। मिर्ची मस्त मॉर्निंग, मैं हूँ अश्निल सिंह। हाय, मैं हूँ काजल। शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 9 AM मिर्ची FM, it's hot। नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ रितिका प्रताप। फीजी के फ्लैग यानी झंडा को बदला जाएगा और नए डिजाइन के लिए नेशनल कंपटीशन को लॉन्च किया गया है। फ्लैग में से यूनियन जैक और शील्ड को हटा दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बेनी मरामा का कहना है कि वर्तमान के फ्लैग में से सिंबल्स को बदलने की जरूरत है क्योंकि ये आउट ऑफ डेट है और अब रेलेवेंट नहीं है। बेनी मरामा ने बताया कि नए फ्लैग में ये दर्शाना होगा कि फीजी अब एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट है। वर्तमान के फ्लैग को इंडिपेंडेंस के दौरान 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था। बेनी मरामा का कहना है कि नए फ्लैग को सभी की सहमति से बनाई जाएगी। कंपटीशन तथा नेशनल पैनल की स्थापना इस महीने की जाएगी तथा 2 महीनों तक जारी रहेगी। नए फ्लैग को 10 अक्टूबर को फिजी के इंडिपेंडेंस डे के 45th एनिवर्सरी पर लहराया जाएगा। बेनी मरामा का कहना है कि वे ये चाहेंगे कि नए फ्लैग में वर्तमान का फिजी ब्लू बैकग्राउंड कायम रहे। मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने पुलिस को एक्सटेंशन प्रदान किया है ताकि वे होलिन सीतो की हत्या वाले मामले में गिरफ्तार एकमात्र सस्पेक्ट से पूछताछ जारी रख सकें। इसकी पुष्टि FBC न्यूज को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन दफ्तर ने की है। पुलिस ने यह सलाह ली है कि वे सीतो की हत्या से जुड़े सस्पेक्ट को 4 और दिनों तक कस्टडी में रखना चाहते हैं। DPP के दफ्तर का कहना है कि एक नोटिस ऑफ मोशन तथा उससे जुड़े एफिडेविट को कल कोर्ट में फाइल किया गया था, जिसमें वे ये कहा गया है कि वे क्यों सस्पेक्ट को डिटेंशन में रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर पुलिस को 48 घंटे से ज्यादा किसी सस्पेक्ट को रखना है तब उन्हें कोर्ट से ओडा लेना पड़ेगा। सस्पेक्ट को अभी अदालत में पेश नहीं किया गया है। एक्सटेंशन को शुक्रवार तक के लिए दिया गया है। फॉर्मर नेवी कमांडर तथा स्पोर्ट्स मिनिस्टर विलियामे नोपोतो को नेवी कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया है और अब वे सेना में चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभालेंगे। कैप्टन नोपोतो ने आज से इस पद पर काम शुरू कर दिया है। लैंडफोर्स कमांडर कर्नल सिटीवेनिंग गिलिहो ने इसके अलावा ये बताया कि ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अजीज, जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, को अब डिप्टी कमांडर नियुक्त किया गया है। गिलिहो का कहना है कि ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अजीज वर्तमान में छुट्टी पर है। और खेलकूद में वोडाफोन फीजी सेवन्स कोच बेन रायन का कहना है कि वे स्पीडस्टार सेमिसोनी वीरी से सावधानी से बातें करेंगे, जबकि शुक्रवार से वेलिंगटन सेवन्स शुरू होगा। वीरी जिन्होंने 2014 वर्ल्ड रग्बी सेवन्स प्लेयर ऑफ द ईयर जीता है, अब फ्रांस में मोंटपेलिया के लिए क्लब रग्बी खेलते हैं। रायन ने उसे वेलिंगटन और लेस वेगस टूर्नामेंट्स के लिए बुलाया है क्योंकि टीम इन दो इवेंट्स में जीत हासिल करना चाहती है। वेलिंगटन सेवन्स शुक्रवार को दिन में 11 बजे शुरू होगा। फिजी का सामना पूल स्टेजेस में पोर्चुगल, वेल्स और ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। शुभ रात्रि। और आपको सपने तो जरूर आए होंगे, ये सपने क्या कहते हैं? और बस थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आज आपकी किस्मत के सितारे करते हैं क्या इशारे। नई आशाएं और हौसले भरी सुबह की सुहानी शुरुआत करें हमारे साथ। मैं आपकी हम सफर मोहिनी। और मैं दीप्ति। सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 तक रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन पर।